जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ते सरकार नूं मजबूर कर दित्ता किसानां ने भी इकट्ठे हो। गवर्नर साहब की तो हाले कोई गल कह नहीं सकते, पर जितों तक लगता जे सेंटर दे विच राष्ट्रपति कोले जांदी है तां ही विल नॉट सपोर्ट। जे आपां अज ये मोर्चा नहीं जितते तो जिहड़ा 75-80 हज़ार करोड़ रुपया खेती चो आमदन आउंदी है ना पंजाब च, वह बंद होगी। भी पंजाब दे उत्ते बीजेपी के जिन्ने 2 MLA जिहड़े नहीं गए उन्होंने उत्ते भी कमांड है। पंजाब का बीजेपी का लीडर भी जिहड़ा हैगा ही इज़ नॉट स्टैंडिंग विद द फार्मर्स, वो किसानों के नाल नहीं खड़ा, वो किसानों के नाल नहीं खड़ा। तो 1-2 दिन बहुता फर्क नहीं पैंदा, वैसे तो उन्होंने सोचना चाहिए भी असी पंजाब के नुमाइंदे हैं ना कि सेंटर के, है ना। जो कहें भी कली कली उंगल का बाकी गल होती तो घसौना बढ़ जाता, फिर चंगी तरह वजदा मेरा ख्याल है, फिर चंगी तरह वजदा मेरा ख्याल है। वो BA करके की फायदा जे खाने तके बई, वो मोटर उत्ते रातां नूं फिर बढ़ने नके बई, सपरे हाँ घर दे मौके लगते पछने पट्टां ते, वो लैके डिग्रियां पुत जट्टां दे रुलदे बट्टां ते, वो लैके डिग्रियां पुत जट्टां दे रुलदे बट्टां ते। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब TV ते मैं वरुण शर्मा तुहाडा सारा दा एक बार फिर तो स्वागत करदा। जिवें कि तुहानू पता कि केंद्र सरकार वालों जदों बिल पास किए गए सीगे ते उदों तो ही जिहड़ा किसानां वालों रोस प्रदर्शन है वह वक्खरियां वक्खरियां थावां दे उत्ते कीता जा रहा सीगा, ते अज असीं आए हां जी भागों माजरा दे टोल प्लाजा उत्ते जिथे किसान काफ़ी दिनों तो बैठ के रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पिछले दिनों जदों सैशन वालों एक मीटिंग की गई कांग्रेस सरकार वालों, तो उस दे नाल उन्हां नूं एक सफलता भी मिली है, तो आओ जानते हैं कि उन्हां दा की कहना इस बारे। सब तो पहला तो जी स्वागत कर दे, हाँ जी सब तो पहला तुहाडा स्वागत कर दे, सब तो पहला अज दे रोस प्रदर्शन की गल करते हैं। जिहड़ा अज दा रोस प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन तो पिछले काफ़ी दिनों तो लंबा टाइम तो चलता है ना, क्योंकि कल असैम्बली पंजाब दे विच पंजाब दियां सारियां ही विरोधी पार्टियां चाहे सरकार है कट्ठे होके जो मते पास किए हैं पंजाब की किसानी वास्ते, वो किसानी का बड़ा वधिया किसानी नूं उहदा हलारा मिलिया, तो गवर्नर साहब को गए कट्ठे होके, ये भी एक पहली गल है भी मुख्यमंत्री आप कहण दी बजाए विरोधी पार्टी के लीडरां तो गल कहावे जो पंजाब दे हक च है। आपां धरने तां चलदे अज भी धरना चलाया भी पंजाब ने तां पास किया पर केंद्र दे जू अजे करना तो सरकी नहीं हैगी। आपां ये काले कानून जिहड़े धक्के नाल पास किए इन्हां नूं वापस कराउणा है, इस करके संघर्ष चलता ही रहना है जिन्ना चिर भी आपां नूं चलाउणा पवे। अज पंजाब दियां 30 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग है जिहड़ी वो किसान भवन च चल रही है, वो मीटिंग चो आपां नूं हुणे हुणे फोन आजूगा सिट्टा की सिट्टा निकलदा इन्हां संघर्षां नूं किहड़े ढंग रूप आपां चलाउणा चलाउणे हैगे। एक वड्डी सफलता है जदों सारियां सरकारां इकट्ठियां होके किसान दे हक लई खड़ी हुई है। देखो इहदे नालों वड्डी सफलता पंजाब च मिल नहीं सकदी, क्योंकि अज तक कदे नहीं होया भी विरोधी पार्टियां सरकार दा साथ दिंदियां होण। ये साडे इहनां सड़कां ते रेलां ते बैठण दी करामात है ये, जिहड़ियां विरोधी पार्टियां ते सरकार नूं मजबूर कर दित्ता किसानां ने भी इकट्ठे हो, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता तबाह हो रही है। जे आपां अज ये मोर्चा नहीं जितते तो जिहड़ा 75-80 हज़ार करोड़ रुपया खेती चो आमदन आउंदी है ना पंजाब च, वह बंद होगी। साडे को इंडस्ट्री नहीं, साडे को खनिज पदार्थ नहीं, कोई भी जिहड़ी आमदन है वह खेती की है, साडियां जेबां विच्चों ही मार्केट च घूमती है। साडी पंजाब की मार्केट डाउन हो जू चाहे कोई भी काम करने वाला आदमी है, इस करके ये सरकारां नूं भी सोचना पिया। एक होर गल है इहदे नाल फैडरल ढांचा इंडिया का खत्म हो रहा है, जे कानून पास हो गए बड़ी चंगी गल आ, कल बिजली बिल आउणा अजे पर पंजाब सरकार ने उहदा भी विरुद्ध बिल पास कर दिता है, बहुत चंगी है, अगाऊं ही कर दिता भी जे पंजाब का डावाडोल स्थिति होगी ना अधिकार कट के तो मुख्यमंत्री क्या रह जूगा, वह तो कम्युनिस्ट पार्टी का कमिश्नर बन के रह जूगा। 7,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार नूं मार्केट का घाटा पैना है, ये गल्लां भी सरकार सोचती है, इस करके संघर्ष है जिहड़े किसी भी रूप में चलाउण
ये नहीं है भी लैणा से बैठी है या टोल प्लाजा से बैठी है या कितने होर बैठी है, पर असी संघर्ष चलाते रहना जिन्ना चिर दिल्ली में झुकार नहीं लेंदे किसानी वास्ते वधिया कानून नहीं बढ़ते। एक असी मंग करते हैं दिल्ली से भाई कोई चीज़ धक्के किसी को दत्ती है क्यों दत्त जाती है, जेड़े पब्लिक है सरकार लोगों वास्ते बनती है, लोग सरकार वास्ते नहीं होंगे। जो पंजाब के लोग चाहते हैं 53 साल पुराना ढांचा सानू मंजूर है, सानू नवी चीज़ नहीं चाहिए, तो मोदी जी सानू क्यों नवे कानून साढ़े धक्के गल पाने हैं। असी जिन्ना चिर वो पुराने ढांचे को बहाल नहीं कराते उन्ना चिर असी संघर्ष है जिहड़े चलाते ही रहेंगे। सैशन की तो मीटिंग हो चुकी है, की लगता है गवर्नर वालों इसको मंजूरी मिलेगी? गवर्नर साहब की तो हाले कोई गल कह नहीं सकते, पर जितों तक लगता जे सेंटर के राष्ट्रपति को जाती है तो ही विल नॉट सपोर्ट वो जिहड़े हैगे पंजाबी दे किसानी दे, क्योंकि राष्ट्रपति जी किसी ना किसी केंद्र सरकार के प्रभाव के थले है, इस करके उत्थों पॉसीबिलिटी बहुत घट है। जो उत्थों पॉसीबिलिटी पर एक फैक्ट तो एक गल तो क्लीयर हैगा बिल्कुल 100% भी पंजाब दे उत्ते बीजेपी के जिन्हें 2 MLA जिहड़े नहीं गए उन्होंने उत्ते भी कमांड है। पंजाब का बीजेपी का लीडर भी जिहड़ा हैगा ही इज़ नॉट स्टैंडिंग विद द फार्मर्स, वो किसानों के नाल नहीं खड़ा, वो उत्ते भी सेंटर की जी कमांड है 117 MLA तो 115 MLA 115 प्रेजेंट है एक्सैप्ट द बीजेपी, ईच एंड एवरी इज़ सपोर्टिंग, हर बंदा जिहड़ा हैगा वो पंजाब के किसान नूं सपोर्ट कर रहा है बीजेपी वालों छड़ के, वह भी तां क्योंकि उन्होंने कमांड है जी सेंटर की है। इस करके हरेक पंजाबी नूं भविख दे विच सोचना पेगा भी क्या उन्हां सेंटर वालियां जिन्हां पार्टियां का कमांड हैगा उन्हां नूं पंजाब दे विच द्वारा देनी है या नहीं देनी। लेकिन जेकर MSP की गल हो रही थी कि पंजाब गौरमेंट कहती है कि असी अपना कानून चलाते हैं कि जे MSP तो थले वेचा जाएगा तो उन्होंने 3 साल की सज़ा होएगी, उन्होंने सज़ा रख दी अपना कानून बनाता है, लेकिन जे ऐदा नहीं होंगे जे BJP भी आने वाले टाइम केंद्र सरकार बायकट कर देती है वो इतों परचेज ही नहीं करती तो की जी अपनी पंजाब की सरकार है कांग्रेस सरकार है इस चीज़ का जुम्मा चक्कन वास्ते तैयार है? फिर उत्थे ही गल आ जाती है जिहड़ी तुसीं गल पुछ रहे हो, क्योंकि हाले ये पास होया फाइनल स्टेटमेंट के लिए फाइनली साइन होने वास्ते राष्ट्रपति को जाना है, अंटिल एंड अनलेस वो एग्री नहीं करते दिस इज़ नॉट ए लॉ नहीं बनेगा, जदों तक लॉ नहीं बनता उदों तक उसकी एप्लीकेशन नहीं हैगी। बेशक यह पंजाब सरकार का बहुत वड्डा उपराला है, आम आदमी पार्टी अकाली दल सारे कंबाइंड हुए हैं, पर जदों तक लॉ ही नहीं बनता उदों तक वो एप्लीकेबल किवें होगा? फिर उस तो बाद एक होर प्रोविजन है भी वो सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकता है, पर अंटिल एंड अनलेस जदों तक फाइनली लॉ नहीं बन जाता उदों तक उसके कोई मायने नहीं रह जाता। रोस प्रदर्शन की गल तो आता है कि रोस प्रदर्शन तुम देखा होना जदों बिल सरकार वालों किए गए केंद्र सरकार वालों तो उस टाइम जिहड़ा रोस प्रदर्शन सीगा वो काफ़ी वड्डे लैवल पर किया जा रहा है, लेकिन टाइम के नाल नाल थोड़िया थोड़िया चीज़ा घटदियां भी नज़र आ रही, इसका की कारण हो सकता? नहीं तुम शायद क्योंकि जिहड़ा रोस प्रदर्शन से पहला वो एक लैवल के उत्ते एक यूनिट पर आ जाता सीगा, अज रोस प्रदर्शन के बंदे बद शामिल हो गए हैं पर अपने लैवल के उत्ते कर रहे हैं, कोई रेलवे लाइन पर बैठा है कोई टोल प्लाजा पर बैठा है। जे तुम अज इस एरिए ही कंबाइन करके चलो एक जगह इकट्ठे कर लो तुम यह गल देखोगे वो वड्डे पद्धर का इकट्ठ हो गया, पर हुण तुसी अपने एरिए ही आ जाओ विद इन 10 किलोमीटर्स लै लो थानू 6 धरने मिलणगे। ये संघर्ष है जिहड़ा वो उस लैवल के उत्ते मौजूद है, इत्थे हुणे देखिया होएगा छोटे छोटे नौजवान जिहड़े यंगस्टर्स हैं 20 साल के 22 साल के किस लैवल पर वो बोल रहे हैं, किस लैवल पर दे आर अवेयर, वो अवेयर हैगे हैं एक्ट्स के बारे भी सानू इन्होंने अफेक्ट किवें करना है। अज का जिहड़ा पंजाब का नौजवान है उन्होंने अपने घाटे का तो उन्होंने अपने फायदे नुकसान का पता लग चुका है, वो जो कल आने वाले जो चुनाव होंगे वो अपने सरकार भी डिसाइड करने वास्ते सफल रहेंगे वो तो करेगा करेगा नाल दी नाल। एक गल अजक सरकार समझ आ गई है अज सोशल मीडिया करके थोड़े भरावान करके भी जड़ी सरकार आम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँच रही है, तो आम बंदा जिहड़ा पब्लिक दे विच पोलीटिकली इस्टैबलिश होना चाहूगा तो उन्होंने एक गल जो पता लग गई है भी मैं आम बंद जुड़ के चलना पैना है, जे मैं आम मुद्दे जुड़ के नहीं चलूँगा तो आई विल नॉट एबल टू। लगता फिर सफलता हासिल होएगी? एग्जैक्टली क्योंकि एक कहावत है भी जिहड़ी गल तुसी शुरू करके तुर पे उन्हें सिट्टा लए बिना निकलना नहीं, और ये तो फिर पंजाब का जिमीदार है वो पुरानी कहावत सुनी होगी भी जट नाल रौला बट बन्ने का भी बुरा है, इस करके ये तो वह जमात है भी थानू लगता भी ये बिना लए तो कुछ पिछे हट जाएंगे।
इस करके वधाई दे पात्र हैं सारे जिहड़े सड़कां ते बैठे हैं रेलवे लाइनां ते बैठे हैं या बाजारां च तुरे फिरदे हैं। जिस दिन तो पंजाब विच केंद्र सरकार वालों बिल लागू किए गए थे उस दिन तो किसानां दे नाल जिहड़े पंजाबी कलाकार ने वो एकजुट हो के रोस प्रदर्शन करते नज़र आए हैं। तो अज के रोस प्रदर्शन की गल करिए अज भी असी आ चुके हैं टोल प्लाजा के उत्ते खरड़ के कोल जिथे आप देख सकते हैं कि जिहड़े कलाकार ने अज भी किसानों के नाल खड़े ने। तो अज साडे नाल ने गुरकिरपाल सूरापुरी अज उन्हां नाल भी तुहाडी गलबात करावांगे। अज मेरे नाल ने सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं जी। सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा विजन पंजाब दे उत्ते। अज दे रोस प्रदर्शन की गल करिए कि इस जगह पर जिहड़ा रोस प्रदर्शन है वह काफ़ी दिनों तो चलता आ रहा और लोग इस रोस प्रदर्शन के अपना इकट्ठ हमेशा बना के रखते हैं, की कहना चाहोगे जिहड़ा अज नौजवान जिहड़ा इस रोस प्रदर्शन का हिस्सा बन? मैं पहला भी आया सीगा जी इस धरने के उत्ते और आउंदे ही रहांगे। मैनू लगता भी जदों तक यूथ जिहड़ा साडा वो बाहर निकल के नहीं आएगा, साडा मकसद आने का आ भी किसानां दे नाल तां खड़े खड़े नाल यूथ नूं भी होर अगे वध के जदों बजुर्गां दा साथ देणगे मेरा ख्याल है फिर वधिया गल होगी। दिल्ली सरकारां तक आवाज़ा तो पहुँच चुकी हैं, एवें नहीं हिलजुल होई जिवें कहिंदे मोदी साहब ने पंजाबी ट्वीट किया। सो इट मीनस वो चाहते हैं भी असी जी तो कई बार बंदे तो करता हों पर ए लगी जाता उन्होंने भी मैं करा कि ना करा ना करा कि करा है ना। सो मेरा ख्याल है भी जो सारिया जथेबंदियां वधाई दी पात्र ने भी इकट्ठिया हुई ने और ये पंजाब दे विच पहली बारी मेरा ख्याल जिंदगी दे विच साडा जदों दा असी साडा जन्म होया सी पहली बारी देखिया भी जथेबंदियां इकट्ठिया ने। यह बहुत वड्डी गल आ, धर्म तो जातां तो मतलब ये सानू वंडिया जा रहा और ये सानू तोड़दे ने। सो ऐतकी जथेबंदियां सारिया इकट्ठिया ने, यह बहुत वधिया गल है और संघर्ष होर जदों कहिंदे भी कली कली उंगल दा बाकी गल हुंदी जदों घसौना बण जांदा फिर चंगी तरह वजदा मेरा ख्याल है ना। विधानसभा सैशन दे विच इक होर वक्री गल देखण नूं मिली है कि सारिया पार्टियां इकजुट होकर किसानां दे लई खड़ी नज़र आई हैं जिथे 117 MLA दे विचों 115 ने इस कानून वास्ते हाँ की, पंजाब सरकार ने अपने वक्रे कानून बनाउण दी गल की है। तो यह हुण जिहड़ा सद्दा है गवर्नर साहब तक पहुँच गई है, लैटर पहुँच गई, की लगता आने वाले टाइम विच इह सक्सैस मिलेगा? देखो जी रब सुख रखे, जदों 116 बंदे 116 लीडर जिहड़े आ अलग अलग पार्टियां दे इकट्ठे हो गए ने है ना, तां एक दो नाल बहुता फर्क नहीं पैंदा। वैसे तो उन्होंने सोचना चाहिए भी असी पंजाब दे नुमाइंदे हाँ ना कि सेंटर दे है ना, तो उन्होंने नाल लैके चलना चाहिए सीगा पर दो जने फिसले आ। इदां दा ही मौका हुंदा जदों बंदा विद्रोह करदा भी नहीं यार चंगी गल पिछे खड़े हैं है ना, भी असी भी खड़े हाँ थोड़े नाल, इन्ना की कहना सीगा। सो रब सुख रखे ते गवर्नर साहब साइन कर देण तां बहुत वधिया भुपिंदर गिल भी मौजूद ने जी। तुहाडे गाणियां दे विच तां असीं झोना सब कुछ सुनिया ही होया ते अज तुसीं ओह दिखा भी दित्ता भी असीं किसानां दे नाल आ जे किसानां दे लई गाणे बनाई दे आ ते नाल भी आ गए ने। ते सब तो पहला तां अज दा जिहड़ा रोस प्रदर्शन जिहड़ा चल रहा है इन्ने काफ़ी टाइम तो चल रहा और काफ़ी टाइम तो जिहड़े सिंगर ने ओह किसानां दे नाल खड़े ने, की कहना चाहोगे तुसीं? बिल्कुल जी बिल्कुल, असीं सारे कलाकार भाईचारा क्योंकि सारा कुछ किसान ते डिपेंड करदा, जे किसान खुश है तो हर सिस्टम खुश है, इस करके किसान वीर खुश होना जरूरी है। तो ये खुश होणगे इन्हां दे घरां च चार दाणे आउणगे तां ही सानूं सद्दणगे, इस करके असी किसान दे पुत वी हैं तो इस करके साडा फर्ज भी बणदा इहनां नाल तुरंदा। ऐसा की हुंदा जिहड़ा सिंगरस नूं इन्ना को आकर्षित करदा किसानां दे लई खड़े होण दा, ऐसा की चीज़ है जिहड़ी तुहानूं खिच लिआउंदी कि नहीं असीं किसानी भाईचारे दे नाल खड़े रहना? असीं बेसिकली मैं किसान दा पुत हां क्योंकि असीं खुद जिमीदार हैं, असीं खेतीबाड़ी करदे हाँ, इस करके बाकी साडा सिस्टम जिहड़ा मैं पहलां भी दस के हटा भी किसान दे उत्ते बहुत ज़्यादा डिपेंड करदा, जे इन्हां दे कोले कुछ है तां सारा कुछ है, क्योंकि जे खुश होणगे घर च सद्दणगे सानूं कलाकारां नूं याद करनगे तां ही, जे चार पैसे होणगे बंदा तां ही बुलाऊगा, इस करके साडे मन दे नाल जिहड़ा धक्का हो रहा उहदे करके असीं सारे कलाकार नाल हैं। तो इन्हां दे नाल धक्का नहीं होना चाहिए, जो इन्हां दे नाल धक्काशाही हो रही है बिल पास होया है उन्हां नूं वापस लेना चाहिए तो तां जो बंदा हर एक खुश रहे। असीं देखिया कि एक कलाकार की असली पहचान उदों ही होंदी है जदों माहौल दे हिसाब नाल अपनी कलाकारी नूं पेश कर सके। तुसीं भी किसानां दे लई कुछ लिखिया सीगा, कुछ गा रहे सीगे, तो असीं चाहवांगे कि साडे दर्शकां नूं जरूर तुसीं सुणाओ। बिल्कुल ही बिल्कुल, जिवें साडे सारे किसान भाईचारा उन्हां दे लई मैं एक गाणा गाया सी बेरोजगारी ते, हो बीए करके की फायदा जे खाने तके बई, हो मोटर उत्ते रातां नूं फिर बढ़ने नके बई, स्परे हाँ कर दे मौके लगदे पछने पट्टां ते, हो ले
लैके डिग्रियां पुत जट्टां दे रुलदे बट्टां ते ओ लैके डिग्रियां पुत जट्टां दे रुलदे बट्टां ते ओए हूटर वाली गड्डी ओ दिल नू लांबू लाउंदी है आ सुती पई सरकार किते ना रिजक दवाउंदी है बड़े धरने लाला वेखे ओ डांगा खादियां लत्तां ते ओ लैके डिग्रियां पुत जट्टां दे रुलदे बट्टां ते चंद तो पहला अपने किसान भरा जिहड़े तुहानूं देख रहे ने उहनां नूं की मैसेज देना चाहोगे? मैं किसान वीरां नूं इही मैसेज देना चाहुंदा भरावो जिहड़े मोर्चे च लगे होए आ जिहड़े पंजाब दे कोने च आ जिहड़े हरियाणे दे कोने च आ डट जाओ क्योंकि हुण सारियां पार्टियां कोई अकाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी आम पार्टी है सारे किमिक हो गया आपां हुण बहुत जल्दी गवर्नर साहब ने कूच कर रहे ने कैप्टन साहब इस करके मैनूं 100% है 101% है साडी जित होगी मोर्चे ते डटे रहो किसान एकता जिंदाबाद।